पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूनने वाले गैंगस्टर मनप्रीत मनु कुस्सा और जगरूप रूपा को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जब से मूसेवाला की हत्या हुई थी तब से ही ये दोनों पंजाब पुलिस के साथ लुक्का छिप्पी का खेल खेल रहे थे। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस को इन दोनों के अमृतसर के अटारी के एक गांव में छिपे होने की खबर मिली थी। दरअसल ये दोनों ही शूटर अटारी के चीचा भगना गांव में छिपे थे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई में मन्नू और रूपा ढेर कर दिए गए। सबसे अहम बात यह है कि ये गांव पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि रूपा और मन्नू इसी गांव में छिपे हैं। दरअसल गांव वालों ने इन शूटर्स के इस गांव की पुरानी हवेली में छिपे होने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस ने अपने लाव लश्कर के साथ इस गांव को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए गैंगस्टरों को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर्स ने ग्रेनेड भी फेंके, लेकिन वो ग्रेनेड भी पंजाब के स्पेशल कमांडो का हौसला डिगा नहीं सके। एनकाउंटर के दौरान मूसेवाला पर AK-47 से गोलियां बरसाने वाला मनप्रीत मन्नू यहां भी पुलिस पर लगातार AK-47 से फायरिंग कर रहा था। शूटरों की गोलीबारी में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, ये मनप्रीत मनु कुस्सा वही गैंगस्टर है जिसने मूसेवाला को सबसे पहले गोली मारी थी और कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी ब्राड मन्नू को फोन पर निर्देश दे रहा था। दरअसल मन्नू की जेल में पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस पिटाई को लेकर मन्नू को शक था कि बम्बिहा गैंग ने उसे पिटवा कर बदनामी कराई है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में था। पुलिस की जांच के मुताबिक मूसेवाला की हत्या करने के बाद जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु कुस्सा पंजाब में ही घूम रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जून के आखिर तक ये दोनों तरन तारन के एक गाँव में छिपे थे। रूपा इसी इलाके का रहने वाला है और यहीं के एक गैंगस्टर तूफान ने इन दोनों को अपने फार्म हाउस में पनाह दी थी और इनके साथ गैंगस्टर रैया भी मौजूद था।